कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फ्लैशस्तान। एंड आज की एविएशन न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में साइन किए गए एयर बबल अग्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो इस बायलैटरल एयर बबल अग्रीमेंट के अंदर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस ऑपरेट की जाएगी, एज अ सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है। करंटली इंडिया ने 28 कंट्रीज के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। अगर कुछ कंट्रीज की बात लूँ तो उनमें आते हैं अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव्स, नाइजीरिया, कतार, यूएई, यूके, यूएसए एंड अभी श्रीलंका भी उसमें शामिल हो चुकी है। तो अभी बहुत ही जल्द हमें इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेशंस बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ऑपरेट करते हुए दिखेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, जहाँ पे मिनिस्ट्री ने 2 घंटे से कम वाले फ्लाइट्स के लिए मील्स बैन कर दिए हैं। तो अभी आप कोई भी रूट देखेंगे जहाँ पे 2 घंटे से कम ट्रैवल टाइम है तो उसमें आपको मील्स नहीं मिलेंगे। बट जो 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट्स है उनमें आपको प्री पैक स्नैक्स, मील्स, प्री पैक बेवरेजेस मिल सकती है अकॉर्डिंग टू एयरलाइंस पॉलिसी। एंड ये भी जब सर्व किए जाएंगे तभी भी जो भी ट्रे सेटअप होते हैं, प्लेट्स होते हैं, कटलरीज होते हैं, वो भी डिस्पोजेबल एंड नॉन रीयूजेबल चीज़ें ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 घंटे से नीचे वाली फ्लाइट्स के लिए भी आपको मील मिलेगा तो अभी मिनिस्ट्री के अंदर वो भी चीज़ बैन होगी, आपको नहीं मिलेगा अभी से। बट अगेन कोविड खत्म होने के बाद ये चालू होने के फिर से चांसेस है। अगली खबर आ रही है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फ्लाइट लीजिंग कंपनी ने, जिन्होंने स्पाइस जेट को नोटिस भेजा है कि वो अपने 7 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर देंगे अगर पेमेंट उन्होंने नहीं किया इन फ्लाइट्स का। तो ये पेमेंट स्पाइसजेट की तरफ से 6 महीने से उस कंपनी को मिला नहीं है। इसके पहले वाले एविएशन न्यूज़ में मैंने आपको कहा था कि दुबई बेस्ड एक कंपनी ने भी सेम रीज़न के वजह से स्पाइसजेट को नोटिस भेजी, उनका भी पेमेंट 5 महीने से आया नहीं था उनको। एंड अभी ये US बेस्ड कंपनी ने स्पाइसजेट को अगेन लीगल नोटिस भेजी है। तो अभी लेट्स सी स्पाइसजेट इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्या वो उनके साथ पेमेंट करती है या उन एयरक्राफ्ट को फिर से रिटर्न कर देती है। तो अभी स्पाइसजेट की बात चालू है तो अगली खबर भी आती है स्पाइसजेट के कार्गो आर्म से रख गए, जिसका नाम है स्पाइस एक्सप्रेस। स्पाइस एक्सप्रेस ने स्केड्यूल कार्गो फ्लाइट ऑपरेशन चालू कर दिए है मुंबई एंड दिल्ली से लेके बैंकॉक तक। तो करेंटली स्पाइसजेट बहुत सारे जगहों पे अपने स्केड्यूल कार्गो फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जिनमें आता है सिंगापुर, हांगकांग, बांग्लादेश एंड इसमें अभी बैंकॉक भी जुड़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो करेंटली स्पाइसजेट 600 टन कार्गो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में ट्रैवल करती है एंड अभी बैंकॉक के जुड़ने के बाद हमें स्पाइस एक्सप्रेस ग्रो करते हुए दिख रही है। अगली खबर आते हैं वीवो स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे वीवो के Y20 फोन्स का शिपमेंट पूरा को पूरा जल गया था हांगकांग के एयरपोर्ट पे। तो अगेन लिथियम आयन बैटरीज है तो उसके वजह से आग लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बट ये आग एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं, एयरपोर्ट पे लगी थी, टारमैक पे। तो अभी आप फोटोज पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा शिपमेंट उनका जल के राख हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है वीवो को। एंड इसी इंसिडेंट को लेके स्पाइसजेट एंड गोअर का ऐसा कहना है कि वो वीवो स्मार्टफोन्स का शिपमेंट रुका रहे हैं एंड एग्जैक्टली कब तक ये शिपमेंट रुकाए गए हैं उस पर कोई क्लियरिटी नहीं है। गोअर के स्पोक्सपर्सन का ऐसा कहना है कि जब तक इस मैटर के ऊपर, इस इंसिडेंट के ऊपर एक एग्जैक्ट क्लैरिटी हमें नहीं मिलती तब तक हम इन शिपमेंट्स को होल्ड करेंगे। तो अगर आप में से किसी ने वीवो Y20 स्मार्टफोन मंगाया था एंड उसकी डिलीवरी लेट हो रही है तो आपकी आपको रीज़न पता चल गया है। अगली खबर आती है एयर इंडिया से, जहाँ पे एयर इंडिया ने 1 फ्री डेट चेंज ऑफर किए है अपने पैसेंजर्स को जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कोलकाता टू ढाका। बट ट्रैवल पीरियड होना चाहिए 14 से लेकर 20 अप्रैल 2021। तो ये डिसीजन आ रहा है बिकॉज बांग्लादेश के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बैन कर दिए है बिकॉज बांग्लादेश में अभी हार्डकोर लॉकडाउन लगने वाला है 1 वीक के लिए। तो अगर आप में से किसी का प्लान था कोलकाता से ढाका जाने का तो अभी आप डेट चेंज करवा सकते हो फ्री में। अगर आप कैंसिलेशन कर रहे हो तो उसका चार्जेस अलग से लगेगा। अगली खबर आती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहाँ पे कुछ एविएशन न्यूज पहले मैंने आपको कहा था कि मुंबई का T1 Terminal 1 फिर से ऑपरेट करना चालू हो गया है एंड कुछ एयरलाइंस उधर से ऑपरेट करेगी। बट अभी वो डिसीजन को रिवर्स किया गया है, अभी सबके सब एयरलाइंस T2 से ही ऑपरेट करेंगे। अगेन मुंबई में बढ़ते हुए कोविड केसेस को लेके ये डिसीजन लिया गया है। तो ट्रूजेट, स्टार एयर, गोअर, स्पाइसजेट जितने भी ऑपरेट करने वाले थे टर्मिनल 1 से, वो अभी टर्मिनल 2 से ही अपने फ्लाइट सर्विसेज ऑपरेट करेंगे।
अगली खबर आती है इंडिया के सभी एयरलाइंस को लेके, जहाँ पे सभी एयरलाइंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा डिमांड किया है कि वो उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या रिलीफ पैकेज दे दे। इसमें एक पॉइंट हाईलाइट करने की बात यह है कि इन सभी एयरलाइंस के लिस्ट में इंडिगो शामिल नहीं है। इंडिगो का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, एंड इंडिगो इसलिए मार्केट लीडर भी बनी है बिकॉज कोविड के चलते हुए भी इंडिगो को ज़्यादा लॉसेस फेस करने नहीं पड़े हैं, एंड इंडिगो ने बहुत अच्छे से कोविड की फर्स्ट वेव को एटलीस्ट संभाल लिया। अभी सेकेंड वेव का हम देखेंगे कि इंडिगो सर्वाइव कर पाती है या नहीं, बट आई एम श्योर कि इंडिगो सर्वाइव कर लेगी सेकेंड वेव भी। बट मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एयरलाइंस को या एविएशन सेक्टर को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए या नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट के ऑफिशियल का ऐसा कहना है कि वो फाइनेंशियल बेल आउट पैकेजेस एविएशन सेक्टर को मोस्टली नहीं देंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में। अगली खबर आती है इंडिगो से, जहाँ पे इंडिगो ने डोमेस्टिक टिकट्स के लिए चेंज फी माफ़ कर दी है, जिनका ट्रैवल पीरियड था फ्रॉम अप्रैल 17 से लेके अप्रैल 30 तक। तो अगर आप में से कोई भी इंडिगो से ट्रैवल करने वाले थे फ्रॉम अप्रैल 17 टू अप्रैल 30, तो अभी आप चेंज अप्लाई कर सकते हो अनलिमिटेड पीरियड के लिए। कभी भी आप नया ट्रैवल पीरियड चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है कभी आपको ट्रैवल करना है, एंड आप अनलिमिटेड चेंजेस कर सकते हो अपने डेट्स में आपके टिकट्स के ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है। बट अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो उसका चार्जेस लगेगा, कैंसिलेशन फीस आपको लगेगी। अगेन स्पाइसजेट का भी यही ऑफर है, जिसका ट्रैवल पीरियड अप्रैल 17 से अप्रैल 30 तक था, उनका चेंज फी माफ़ की जाएगी। आप चेंज कभी भी कर सकते हो, आप कभी भी चेंज कर सकते हो आपका ट्रैवल डेट, बट अगर आपको कैंसिल करना है तो फिर आपको कैंसिलेशन फीस देनी पड़ेगी। आखिरी खबर पे बढ़ने से पहले मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। अगर आपने वीडियो को अब तक देखा है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से 61% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, मुझे बहुत हेल्प करता है वो। तो बढ़ते ये वीक की आखिरी खबर की तरफ, जो आ रही है हैदराबाद के एयरपोर्ट से, जहाँ पे GMR ने एरो सिटी लॉन्च की है हैदराबाद एयरपोर्ट में। ये एरो सिटी 1500 acres में फैली हुई है, एंड इसमें बहुत सारे बिजनेस पार्क्स, रिटेल पार्क्स, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स, लॉजिस्टिक पार्क्स एंड हॉस्पिटैलिटी सब इंक्लूडेड है। इस एरो सिटी के अंदर स्कूल्स, हेल्थ केयर, रेंटल अकोमोडेशन, लीजर, एंटरटेनमेंट सब 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 आपको अवेलेबल होगा। तो अभी हैदराबाद में GMR की तरफ से एरो सिटी लॉन्च कर दी गई है, एंड उम्मीद करते हैं कि बाकी के शहरों में भी एरो सिटी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाए। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज की एविएशन न्यूज़ यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।